सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला है, हम कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, ऐतिहासिक फैसला ही है और इतने समय से ये जो मुद्दा था ये पेंडिंग था, तो अब आगे ये कहना चाहता हूँ कि ये फैसला आगे हम सबको इस फैसले को ऑनर करना चाहिए और आगे देखना चाहिए किस तरीके से हम इस देश को आगे लेके जाना चाहते हैं। सारी कम्युनिटीज़ को, सारी सोसाइटी को मिलकर काम करना चाहिए। तो बहुत खुश हूँ कि ये फैसला है, एक बैलेंस फैसला है दोनों पार्टीज के लिए, आपको लगता है? जी बिल्कुल। और एक ऐसा मुद्दा था कि अगर हम ये चाहते हो, अगर ये पॉलिटिकल और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ये चाहती, तो ये मुद्दा बहुत पहले सुलझ जाता, सुलझ सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टियों में यही फ़र्क है कि हम मुद्दे को दबाते नहीं हैं, उनको सुलझाते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अब सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि अब आगे देखिए, देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए और सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाते हैं। और बिल्कुल एक बैलेंस फैसला है। जैसे कि उन्होंने, आपने कहा कि बहुत पहले ही ये मैटर सुलझ सकता था, लेकिन कई सारे पॉलिटिकल बैरियर्स हैं, लेकिन फाइनली अब जाके ये डिसीजन आया है। तो ये इंटीमेशन कैसा रहेगा, आप इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन अभी तो फैसला है और आई एम श्योर इम्प्लीमेंटेशन भी इतना ही बेहतर रहेगा जितना ये फैसला था। जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि अगर आप, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, इससे पहले ट्रिपल तलाक हो, या फिर राम मंदिर का जो फैसला हो, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो चाहती है कि मुद्दों को सुलझाया जाए, सिर्फ सप्रेस या दबाया ना जाए, तो ये फ़र्क है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज जहाँ पर है वो वहाँ पर है, क्योंकि हम डिसीजन लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का फैसला है उसी तरीके की इम्प्लीमेंटेशन भी होगी।